beautiful line said by Saint Francis of Assisi, "He who works with his hands is a laborer. He who works with his hands and his head is a craftsman. He who works with his hands and his head and his heart is an artist." Hey guys, welcome to my channel. मैं हूँ गरिमा और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही यूनिक आर्ट स्किल जिसका नाम है डेकोपोज। इसे हम डेकोपेज नहीं कह सकते, इसका स्पेलिंग आप देख सकते हैं, इसे हम डेकोपोज प्रोनाउंस करते हैं, ना कि डेकोपेज। सो डेकोपोज इज एन आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय ग्लूइंग डिफरेंट कलर पेपर कटआउट्स ऑन टू इट इन कॉम्बिनेशन विद स्पेशल पेंट इफेक्ट्स, गोल्ड लीव्स एंड अदर एलिमेंट्स like accessories that you can decorate with. The word decoupage comes from Middle French word découper, which means cut out or cut from something. अगर आसान भाषा में हम इसे कहें कि इस आर्ट में हम कटआउट्स यूज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम डेकोरेट करते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डेकोपोज को ही मॉडपॉज कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, क्योंकि डेकोपोज एक टेक्निक है, इट्स एन आर्ट टेक्निक, वेरस मॉडपॉज एक ग्लू है, एक तरह का ग्लू है जो हम डेकोपोज में यूज करते हैं। तो ये दोनों वर्ड ही अलग हैं। तो अगर आपसे कभी कोई कहता है कि लेट मी टीच यू डेकोपोज मॉडपॉज इन प्लेस ऑफ डेकोपोज, फील फ्री टू आस्क देम व्हाट डू यू मीन। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें लगेंगी एंड प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर बताऊंगी जिसके हेल्प से आप पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप कहीं अटक जाते हैं और इस प्रोसीजर को करने के टाइम पे उन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही इजीली आप कंप्लीट कर पाएंगे विदाउट एनी फ्लॉज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए, दीज आर द मटेरियल्स वी रिक्वायर। तो पहली चीज़ें जो हमें चाहिए इसे बनाने के लिए वो है ये केटल, जिस पे हमें एक्चुअली डेकोपोज करना है, पहले हमें वो चाहिए। नेक्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज ग्लू, इसके लिए हमें मॉडपॉज ग्लू चाहिए बट इसे हम घर पे ही बनाएंगे। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इज डेकोपोज पेपर, जिसे हम राइस पेपर भी कहते हैं। इसके जगह पे आप दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं लाइक प्रिंट आउट्स ऑफ एनीथिंग ऑन A4 साइज पेपर। इस टाइप का पेपर अगर आपको नहीं मिलता है तो देखिए मैं बताती हूँ ये किस टाइप का पेपर होता है। इसे राइस पेपर कहते हैं, इसमें ऑलरेडी टू लेयर्स होते हैं, हियर यू कैन सी, जब आप इसे पीछे से खोलेंगे तो ये फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। हमें ये दोनों लेयर को निकाल देना है एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दिस फ्रंट शीट। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इज पेंट, इसे पेंट करना है हमें। पेंट ब्रश, हर साइज के ब्रशेज आप अपने पास रखिए, डैबर, सीजर, दिस इज अ मोल्ड, सिलिकॉन मोल्ड, जिसे हम डेकोरेटिव एसेसरीज बनाएंगे इसे डेकोरेट करने के लिए हमारे केटल को। ग्लू गन विद ग्लू स्टिक, वार्निश, मैंने यहाँ पे एशियन पेंट का वार्निश लिया है, क्लियर सिंथेटिक वार्निश, बहुत ही फिनिशिंग टच देता है ये, यू कैन सी बहुत ही फिनिशिंग टच देता है ये। एंड नेक्स्ट थिंग इज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो है ये एक ट्रांसपेरेंट शीट। मैं बताऊंगी इसे मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमें इस ब्लैक पोर्शन को निकालना है, तो एक कटर की मदद से मैं इसे पहले निकालूंगी। बी वेरी केयरफुल गाइस, हैंड को कट मत कर लीजिएगा, ये बहुत ही हार्ड होता है। सो विल बिगिन विद पेंट फेविक्रिल।
क्लाइन मनकोट। कोशिश करिएगा कि इसके लिए हम फ्लैट ब्रश ही लें। ये देखिए फर्स्ट कोट के बाद हमारा केटल कुछ इस तरह का लग रहा है। वंस इट विल गेट ड्राइड अप हम सेकेंड कोट स्टार्ट करेंगे। नाउ दिस इज अ केटल, दिस इज हाउ इट लुक्स। हमारा सेकेंड कोट भी हो गया और सेकेंड कोट होने के बाद हमारा केटल इस तरह का दिख रहा है। दिस इज लिड, इस पर भी मैंने सेकेंड कोट ऑलरेडी कर दिया है। अब टाइम है हमें डेकोपॉच शीट को स्टिक करने का, बट उससे पहले हमें बनाना है मॉडपॉच ग्लू। हम मॉडपॉच ग्लू खरीद नहीं रहे हैं तो हम उसे घर पे ही बहुत ही इजी वे में जो हम स्कूल ग्लू या फेविकोल जो है उससे बनाएंगे। तो चलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो मॉडपॉच ग्लू बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा इसमें प्रपोर्शन कितना पड़ रहा है। वी नीड वाटर, फेविकॉल, अ कंटेनर जिसमें हम मिक्स करेंगे दोनों मिक्सचर को, इसका मिक्सचर बनाएंगे, एंड स्पून एंड अ ब्रश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है 2 स्पून फेविकॉल। जितना हमने फेविकॉल लिया है उसका जस्ट हाफ हम लेंगे पानी, यानी कि अगर हमने 2 स्पून लिया है फेविकॉल तो हम इसमें 1 स्पून वाटर मिलाएंगे। विल मिक्स इट। Give it a nice stir. Water and glue को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाना है। You can store it in a bottle after use. तो ये रहा हमारा मिक्सचर रेडी है। This is your mod podge glue. Now we'll work on a kettle. अब हम अपने राइस पेपर को केटल पे लगाना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको ये राइस पेपर नहीं मिलता है तो आप इसके जगह पे कोई भी टिशू, जो भी प्रिंटेड टिशू होता है, या कोई भी मैगजीन से, या कोई भी ग्लॉसी पेपर जो होता है, आप वो भी कटआउट्स यूज़ कर सकते हैं डेकोपॉज करने के लिए। तो चलिए अब हम लगाते हैं ये राइस पेपर। एज आई टोल्ड यू ये 3 लेयर पेपर है, तो हमें ये इसके बैक साइड में जितने जो 2 लेयर्स हैं एक्स्ट्रा उसे हम निकाल देंगे। ये फर्स्ट लेयर एंड ये नेक्स्ट लेयर। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट लेयर को निकालते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने बताया था आपको कि इस पे हम ये इस टाइप का एक ट्रांसपेरेंट शीट जो है वो हम यूज़ करेंगे। कोई भी प्लास्टिक का शीट आप यूज़ कर सकते हैं। ये हम जब हम इसे स्टिक करेंगे कि हम उस टाइम पे इसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट थिंग वील यूज़ इज़ आ मॉडपॉच ग्लू जो हमने बनाया था, होममेड मॉडपॉच ग्लू। सो वील अप्लाई दिस शीट हियर। पहले हम देख लेंगे कि हमें ये कहाँ पे लगाना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना पहला। ब
बेस वर्क पहले कर लीजिए एंड जो भी एक्स्ट्रा ऊपर में रहता है उसका टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज हम इसे हाफ यहाँ पे स्टिक करेंगे। पहले हम ग्लू अप्लाई कर लेते हैं। जिस भी पोर्शन में हमें लगाना है पूरे जगह पे मत लगाइएगा, हाफ ऑफ करके लगाइए। So now it's time to remove next layer also. बहुत ही carefully हम next layer भी निकाल रहे हैं। हमें इसे सेट करना है। सेट करने के बाद इसके अंदर में एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। सो टू रिमूव दोज एयर बबल्स हमें ये शीट यूज करना है। You can see here, this is the most important step guys, don't escape this step, बहुत ही important है। अगर हमें original look देना है तो हमें बिल्कुल patience के साथ इसे spread करना है। Now you can see here, मैंने नीचे वाले base वाले portion में इसे पूरा stick कर दिया है। Now any means यहाँ पे आपको wrinkles दिखेंगे इस तरह से, तो मैंने उसे फोल्ड कर दिया है। यू कैन सी इसे हम सीजर से बहुत ही नीटली कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसीजर वी गोइंग टू रिपीट इट ऑन द अदर साइड। हम दूसरे साइड भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट इट विद एसेसरीज। तो एसेसरीज के लिए हम यहाँ पे ये मोल्ड यूज करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने ग्लू स्टिक की मदद से इसे ये एसेसरी बनाया है। नाउ आई विल शो यू इसे मैं पील कैसे करती हूँ। ये देखिए नाउ विल पेंट इट गोल्डन कलर से। हम पेंट करेंगे, ये मैं बनाकर रखी हूँ। ये देखिए हम इसे कुछ इस तरह से पेंट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई अ विद विंटेज लुक देने के लिए। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। अब हमारा मिस्टर केटल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। नाउ इट्स वॉलेज टाइम। मैंने इसमें सारे एसेसरीज लगा दिए। इसे मैंने प्लेन रखा है बट मैंने एक और केटल बनाया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3D कोन से इसे एक 3D इफेक्ट दिया हुआ है। इसे इस एसेसरी से भी मैंने इसे डेकोरेट किया है। आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं या चाहे तो इस तरह से क्लीन भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेंट यूज किया था, चॉक पेंट जैसा कि मैंने बताया। तो चलिए अब हम इसमें वार्निश करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो एज आई टोल्ड यू कि हमने यहाँ पे एक क्लियर सिंथेटिक वार्निश लिया था एशियन पेंट्स का। तो स्लोली स्लोली हम इसे कंप्लीट करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर पॉइंट्स टू रिमेम्बर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था वीडियो के बिगनिंग में कि जब वीडियो एंड होगा तो एट द लास्ट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके हेल्प से आप इस प्रोजेक्ट को विदाउट एनी फ्लॉज आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो कुछ चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी स्टेप को आप स्किप मत करिए, हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। लाइक इसमें जेसो या फेविकल का बेस कोट जरूर दीजिए, डोंट स्किप दैट स्टेज। सेकेंडली इसे हम स्पाउट कहते हैं,
इस पोर्शन को, तो इसे कभी भी विद इन वन गो कंप्लीट करने की कोशिश मत करिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, इसे मैंने कोलाज फॉर्म में कंप्लीट किया था, छोटे छोटे पीसेज में कट करके, बिकॉज यहाँ पे काफी कर्व्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा यहाँ पे आपको स्टिक करने में, सो बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग दिस पोर्शन। इस पोर्शन में भी मैंने छोटे छोटे पीसेज ही कट किए थे। थर्डली, जब आप इसे स्टिक करते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज दैट ट्रांसपेरेंट शीट, ताकि उससे आप एयर बबल्स निकाल सकें, अदरवाइज वो उठा हुआ रहेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इस टेक्निक से आप अपने किसी भी ओल्ड फर्नीचर को आराम से डेकोरेट कर सकते हैं, टेबल टॉप और ड्रॉर और चेस्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरा शीट यूज करना है, इफ यू वांट आप एक छोटा सा फ्लावर या कोई भी एक छोटी सी पीस जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे कहीं पर भी स्टिक करके उसे डेकोरेट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर ब्यूटिफुल टी पॉट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो गिव मी अ बिग थम्स अप, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन सायोनारा, बाय बाय एंड स्टे सेफ।